ये देखिए, अब ये पहचान गया है और मोबाइल का सब कीड़ा सब है। हाँ, अगर आपको बुरा लगा है मेरी बातें तो आप मेरे मुंह पर बोलिए कि आपकी बातें हमको चुभा, तो फिर हम मलहम कर देंगे ना, है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ऑफकोर्स अच्छे ही होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के कृपा दुआ से हम भी बहुत अच्छे हैं। बस आप लोग का आशीर्वाद, कृपा दुआ, प्यार, सपोर्ट ऐसे ही बना रहे हम पे, है कि नहीं। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए। और मेरे चैनल पे अभी न्यू हैं तब तो बेल आइकन घंटी के दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, जल्दी से बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है कि नहीं, ताकि मेरा न्यू ब्लॉग वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ जुड़ पाए, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। तो देखिए, अभी हम घड़ी में बज रहा है 12 और अभी हम तैयार हो गए हैं, तैयार हो करके कहीं जा रहे हैं। तो आज हम पता है पहली बार कहीं जा रहे हैं। पहली बार के मतलब गए तो बहुत बार है, लेकिन मेरे हस्बैंड जी जो है ना, उनको कहीं से कुछ निमंत्रण आता है ना तो वो जाने नहीं देते, सिर्फ अपने मेरे देवर है और दुकान पे अगर कुछ हुआ तो फिर जाने देते हैं, नहीं तो नहीं जाने देते हैं। तो आज हम पहली बार कहीं जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी के दोस्त हैं तो उनके घर पे जा रहे हैं। और क्यों जा रहे हैं तो बने रहिए मेरे ब्लॉग वीडियो के साथ और अंत तक के देखिए कि हम क्यों जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ, है ना। तो हम घर के बाहर निकल गए हैं और अकेले जा रहे हैं। अर्णव को बोले कि चलने के लिए तो वो बोलता है कि हम नहीं जाएंगे। और हस्बैंड जी भी दुकान चले गए हैं और अंकिता जो है सो कोचिंग गई है और छोटी जो है सो वो घर में है। तो हम अकेले जा रहे हैं और पहली बार उनके घर पे हम जा रहे हैं। उनका हमको घर भी नहीं देखा हुआ है, सिर्फ बाहर से देखे हुए हैं कि ये घर है और बाकी अंदर में तो गए ही नहीं हैं। तो पहली बार हम उनके यहाँ जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये देखिए मेरे गली में गाय का पूरा मंडली है। तो यहाँ गाय सब जो है सो अपना मंडली जमाए हुई है, जमाए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना गाय है। ओ माय गॉड, उधर कचरा और इधर गाय और पूरे सड़क पे गोबर ही गोबर। चलिए, बस पास में ही है, मेरे घर के ही पास में है, फिर भी हम कभी नहीं गए हुए हैं, पहली बार जा रहे हैं। यही है बाबू और इसका हुआ है अनपरासन। बाबू ए देखिए, तो हम आने में लेट कर गए हैं तो पूजा हो गया है खत्म, लेकिन कोई नहीं, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए बाबू को, है ना, इसी का अनपरासन हुआ है। हाँ, गर्मी इतना ज्यादा है ना, तो देखिए बाबू जो है सो गर्मी से बहुत हो गया है परेशान, है ना। उधर देखो, उधर देखो, पूरा से गर्मी से है परेशान, इसका तेज के लग रहा है गर्मी, ऊपर से नया नया कपड़ा, चंदन टिक्का, और उसके बाद पूजा के समय में पंखा वंखा तो चलता नहीं है, इतना ये परेशान हो गया है। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए इसको, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए इसको, है कि नहीं। तो ये देखिए, अब ये पहचान गया है और मोबाइल का सब कीड़ा सब है। हाँ देखिए, आप तो गर्मी बहुत ही ज्यादा है, बहुत बहुत बहुत, थोड़ा सा बारिश हुआ उसके बाद गर्मी दुगुना तिगुना
बढ़ गया है, इतना तेज का गर्मी है, ओ माय गॉड, बता ही नहीं सकते। तो पूजा तो हम नहीं देख पाए, अन्नप्राशन का पूजा था वो नहीं देख पाए, मिस कर गए क्योंकि हम लेट कर गए वहां जाने में, लेकिन पूजा हो गया। और बच्चे को आप लोग बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा, है ना। और वहाँ खाना का भी व्यवस्था था, खाना भी खाएं और फैमिली से मिल भी लिए, उसका घर भी देख लिए। पहली बार हम घर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जा करके। आप पहली बार अन्नप्राशन हम देखे भी है, झूठ नहीं बोलेंगे हम, है ना, बातें फेंकेंगे नहीं कि हम बचपन से अन्नप्राशन देखते आए हैं, ऐसा नहीं है। जो सच है वो सच है, पहली बार अन्नप्राशन की पूजा हम देखे हैं, है ना, और अच्छा लगा। पूजा नहीं देखे लेकिन वहां पे ये सब देखे जो रखा हुआ था, ये सब देख करके समझे कि अच्छा अन्नप्राशन ऐसे होता है, और ऐसे हम देखे ही नहीं थे। नहीं तो बोलने वाला ना बहुत कुछ बोलता है। देखेगा आज किसी के देह पे कपड़ा पहने हुए लाल साड़ी, तो हम तो ये लाल साड़ी बचपन से देखते आए हैं। हाँ नहीं तो, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते। हम जब देखे, जब खाए, जब पहने, है ना, जब कहीं गए हैं वही हम बोलेंगे। अगर हम नहीं खाए, नहीं पिए, नहीं पहने हुए हैं तो हम ये बात बोलेंगे ही नहीं। नहीं तो अभी का तो जमाना आप लोग अच्छे से समझ ही रहे हैं कि करनी धरनी कुछ नहीं रहता है, और बड़ाई जो है ना पूरा 1.25 रुपया का रहता है। अब बड़ाई इतना करेगा, हम तो ये करे हैं, हम तो वो करे हैं, हम दिस करे, हम बगेरा करे हैं। हाँ नहीं तो, सबका यही चल रहा है, क्या कहता है, गुतिया दियाद में, रिश्तेदारी में, अपने में, सबका यही अभी फितूर की बातें चलते रहता है, और रहता है कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात अलग होता है कि बहुत कोई ऐसा है कि वो सच बोलता है, जैसे कि एंजल अर्चना। हम झूठ बोलते ही नहीं है, जो बोलते हैं ना सबके मुंह पर बोल देते हैं, इसीलिए जो है ना सबको मिर्ची लग जाता है मेरी बातें से। क्यों? क्योंकि हम मुंह पर बोलते हैं, उसका आईना दिखा देते हैं कि तुम कल ऐसी नहीं थी, और चाहे कल तुम ऐसी थी, आज तुम ऐसी हो, तो हम हमेशा आईना दिखा देते हैं, है ना। इसीलिए ना हमेशा मेरे बातें से सबको चिढ़न हो जाता है कि वो ना मुंह पर बोल दी, और वो जो है ना ऐसी बोल दी। मेरे मुंह पर कोई नहीं बोलता कि हाँ तुम ऐसे क्यों बोल दी, पीठ पीछे बोलेगा, देख ली फन्ना ऐसे बोल ली, देखे चिन्ना ऐसे बोली। अगर आपको बुरा लगा है मेरी बातें तो आप मेरे मुंह पर बोलिए कि आपकी बातें हमको चुभा, तो फिर हम मलहम कर देंगे ना, है ना। अगर वहां से ब्लड आ रहा है तो वहां पर हम डिटॉल मार करके और दवाई लगा देंगे। नहीं तो हम तो भाई रियल है, जो बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, चाहे किसी को ऊपर मिर्ची लगे चाहे नीचे मिर्ची लगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सब झूठ का ही दुनिया चल रहा है। तो सब झूठ 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 झूठ, तो झूठ बोलने से हम एक ही चीज सीखे हैं कि जो इंसान अगर आज झूठ बोल रहा है, उसको जो है ना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ के सहारा लेना पड़ता है। अगर आप वहीं पे एक सच बोल दीजिएगा तो 100 झूठ आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसीलिए एक सच बोल दीजिए, अगर अगला को खराब लगा तो तभी लगेगा ना। अगर आप झूठ बोले हैं तब तो आप मीठे हो गए, झूठ बोले तब आप बहुत मीठे हो गए, लेकिन कल के डेट में अगर उसको पता लग गया कि आप जो है झूठ बोले हैं, तब जो बुरा लगता है ना उसका कोई और अंत नहीं होता है। इसीलिए एक सच बोलिए और तभी के तभी बात वहां पे खत्म कर दीजिए, है कि नहीं। तो आप लोग भी अन्नप्राशन के पूजा देखे होंगे, अन्नप्राशन के विधि देखे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये ज्यादा हाई फाई नहीं की थी, जितना उनसे बना वो अपना किए, और वो अच्छी बात है, जिसको जो बनता है वही करना चाहिए, दूसरे का नकल नहीं करना चाहिए। कि राजा महाराजा के घर में जो है ना सो गाय बकरी भैंसी दान दिया जाता है, और हमको खाने के लिए नून तेल रोटी भी नहीं है, तो राजा महाराजा का नकल करके और हम लोग भी गाय भैंसी दान कर दे, और उसके बाद जो है कल जो है ना सो मिट्टी में मिल जाएंगे कर्जा के तर में, और टेंशन से मर जाएंगे तो मिट्टी में मिल ही जाएंगे। इसीलिए जिसके पास जितना चादर रहे उतना ही पैर फैलाना चाहिए,
बल्कि दूसरे के देख करके जो है ना सो पैर ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो चादर भी फट जाएगा और पैर में मच्छर काटेगा और ऑलरेडी है ना, तो मच्छर काटने से एक अलग से बीमारी पैदा हो जाएगा, उसका अलग से इलाज चलेगा। तो इसके लिए जितना चादर रहे उतना ही पैर पसारे, है कि नहीं? आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा, है कि नहीं? और मेरी बातें अगर आप लोग को भी अगर कुछ मेरी बातें बुरा लग रहा होगा, और नहीं तो अगर यहाँ पे बहुत कोई मेरे सपोर्ट करने वाले हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे अपने हैं जो मेरे बातें से सहमत हैं, जिसको पता है कि हाँ यही बात सच है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। और जिसको बुरा लगा होगा मेरी बातें वो भी कमेंट करके बताइएगा, है ना? चलिए बाय बाय।